जब घोड़ा पैदा होता है बिल्कुल जब मेल हॉर्स पैदा होता है उसको हम कहते हैं कोल्ट। अच्छा, और फीमेल जब पैदा होती फिली। ठीक है, ठीक है। फिर वही बच्चे जब एक साल के होते हैं उनको कहते हैं ईयरलिंग्स, ईयरलिंग्स, ईयरलिंग्स। ठीक है, ठीक है। इसी तरह वो जब पूरा घोड़ा बन जाता है तीन साल का तो फिर उसको या स्टालियन कहते हैं या गेल्डिंग कहते हैं। स्टैलियन हर मेल घोड़ा जो ब्रीडिंग के लिए यूज हो सकता हो उसको हम स्टैलियन कहते हैं, हर मेल घोड़े को। ठीक है, मेड बी एनी ब्रीड। इसी तरह वो हॉर्स जो मेल तो हो लेकिन ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल ना हो सकता हो या उसको हमने किसी खास मकसद के लिए उसको ब्रीडिंग कैपेबिलिटी उसकी ख़त्म कर दी हो तो ऐसे हॉर्स को हम गेल्डिंग कहते हैं। जब घोड़ा पैदा होता है बिल्कुल जब मेल हॉर्स पैदा होता है उसको हम कहते हैं कोल्ट। अच्छा, और फीमेल जब पैदा होती फिली। ठीक है, ठीक है। फिर वही बच्चे जब एक साल के होते हैं उनको कहते हैं ईयरलिंग्स, ईयरलिंग्स, ईयरलिंग्स। ठीक है, ठीक है। इसी तरह वो जब पूरा घोड़ा बन जाता है तीन साल का तो फिर उसको या स्टालियन कहते हैं या गेल्डिंग कहते हैं और घोड़ियों को हम मेयर्स कहते हैं। मेयर्स। मुझे बताएं कि घोड़े की टोटल एज कितनी होती है, यहाँ ये वेरी करता है ब्रीड टू ब्रीड, और उसके बाद फिर जवान कितने साल का हो जाता है फुल, जिसके ऊपर सवारी भी कर सकते हैं, लोड भी डाल सकते हैं, और बूढ़ा यानी कि किस एज में जाके हो जाता है फिर? एक आप कभी गूगल करेंगे ना तो आपके इंटरेस्ट के लिए आपको ना एक टेबल मिल जाएगा। हमारे यहाँ 18 साल का जो एक ह्यूमन है वो जवान होता है, तो इसी तरह हॉर्सेस की भी उसका एक इक्विवेलेंट एज है जिस पे वो जवान होता है, इस तरह ग्रोथ चल रही होती है। तो एक एवरेज एज जो है घोड़ों की वो गूगल जो कह रहा है, विकीपीडिया कह रहा है, वो 22 to 25 है। 22 साल। 22 साल। अब डिपेंड करता है ब्रीड टू ब्रीड, जैसे आपने गुफ्तगू की है 30-30 साल के घोड़े भी दुनिया में मौजूद हैं, 32-32 साल के मौजूद है, डिपेंड करता है आपने केयर कैसी की है, उससे काम कैसा लिया है, बट आम तौर पर आप 22 to 25 कह लें। अच्छा जी, अब आपका सवाल कि घोड़ा फुल जवान किस तरह हो जाता है। देखिए, ब्रीड टू ब्रीड डिपेंड करता है। जो थोरोब्रेड हॉर्सेज होते हैं रेस के लिए 2-2 साल के घोड़े इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, रेसेस में 2 ईयर्स का जो हॉर्स है वो इस्तेमाल होता है। आम तौर पर जो 3 साल का जानवर है ना, 2.5-3 साल का जानवर, वो एक जवान घोड़ा है। लिहाजा कॉमन जो प्रैक्टिस है वो 3 साल के बाद हॉर्स को ट्रेन किया जाता है। 3 साल तक वो उसको ट्रेन हम नहीं करते, उसको बढ़ने देते हैं, क्योंकि उसकी हड्डियाँ ग्रो कर रही होती हैं, कुछ हड्डियाँ प्रोड्यूस हो रही होती हैं, इंसान का भी ऐसे ही हड्डियाँ बनती रहती हैं खास एज तक, तो 3 साल तक आमतौर पर हड्डियाँ बनती रहती हैं। कंप्लीट जो स्ट्रक्चर घोड़े का कंप्लीट होता है बोन्स परस्पेक्टिव से, स्केलेटन पॉइंट ऑफ व्यू, 6 साल तक, 6 साल तक। बट 3 साल के बाद एक आम प्रैक्टिस है कि हम उसको उसके ऊपर उसकी ब्रेकिंग शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग हम शुरू कर देते हैं। ठीक है। 4 साल का एक एक्सेलेंट तैयार घोड़ा हो।